एक टाइम था जब नारुतो और सासुके दोनों सबसे स्ट्रांगेस्ट थे पूरे शिनोबी वर्ल्ड के अंदर, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं क्योंकि बोरुटो के अंदर नारुतो अब सील हो चुका है और सासुके अब एक पेड़ बन चुका है। और हमें बहुत सारे नए कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं जो कि उन दोनों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे और उनकी पावर्स बहुत ही ज्यादा हैं। वो कैरेक्टर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि वो पूरी दुनिया को ही खत्म कर सकते हैं, वो इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं। और इसलिए ये बताना मुश्किल है कि पूरी सीरीज के अंदर कौन सबसे स्ट्रांगेस्ट है। इसलिए आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ बोरुटो के अंदर टॉप 10 स्ट्रांगेस्ट कैरेक्टर्स। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुमने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो वो भी जरूर से कर लेना, और ये रहा मेरा इंस्टा। सो लेट्स गो। नंबर 10 शिंजु वा होशी नी इकिरु सुबेते नो चक्रा वो कुई त्सुकुशी अरायुरु मोनो गा शिनी ताइरु। कोड कोड कारा ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर था और उसके पास था एक कारमा। वो भी इश्क के लिए एक वैसल चुना गया था, लेकिन उसकी बॉडी कंपैटिबल नहीं थी और इसलिए वो बन गया एक इनकम्प्लीट वैसल। मतलब उसके पास कारमा था लेकिन तब भी इश्क उसकी बॉडी यूज करके रीइनकार्नेट नहीं हो सकता था, इसलिए कवाकी को चुना गया। और कोड ये देखकर बहुत ही गुस्सा होता है और कवाकी से बहुत ज्यादा जलता भी है क्योंकि उसके लिए ओत्सुत्सुकी सब कुछ है और वो उनकी पूजा करता है। वो मानता है कि ओत्सुत्सुकी सबसे बेहतर है और वो उनको ही मानता है। उसका कारमा बहुत पावरफुल था, लेकिन इनकम्प्लीट वेसल होने के बाद भी उसके पास कारमा था और वो कारमा इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि वो जीगन से भी ज्यादा स्ट्रांग था, और इसलिए उसकी बॉडी पर लिमिटर्स लगाए गए। लेकिन जब इश्की मर गया तो इश्की मरने से पहले कोड को बताता है कि वही उसका डिवाइन फ्रूट का प्लान आगे ले जाएगा और कोड खुद उस डिवाइन फ्रूट को खाकर एक ओत्सुत्सुकी बन जाएगा। और इश्की ये काम देता है कोड को, और कोड क्योंकि वो उनकी पूजा करता था वो इसलिए मान भी जाता है। और वो ये सबसे पहले करने की कोशिश करता है अमांडो से अपने लिमिटर्स हटवाकर, और फिर आगे जाकर वो दो साइबॉक्स को एक्टिवेट करता है, एडा और डायमंड, जो कि उससे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो उसकी मदद करते हैं और कोड कवाकी से लड़ता है, बोरुटो से लड़ता है और सबसे लड़ता है और हारता रहता है। मतलब ये बंदा जब से सीरीज में आया है ये हारते ही गया है, ये एक दफा भी नहीं जीता। लेकिन जब अमाडो ने इसके लिमिटर को हटा दिया था तो ये बन गया था बहुत ही पावरफुल। इसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी और जीगन से भी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन डायमंड इसको फिर भी मार देता है और उसको वहां से भागने में मजबूर कर देता है। अभी के लिए तो कोड ही है जो कि बोरुटो का मेन विलेन है, लेकिन पता नहीं वो कुछ कर पाएगा या नहीं क्योंकि वो बहुत ही बेकार है। नंबर 9 एडा। कोड ने दो साइबर्स को एक्टिवेट किया था और उनमें से एक था एडा, जिसके पास पावर है ओमनीपोटेंस की। अब ये किसकी पावर है? ये पावर है शिबाई ओत्सुत्सुकी की, जो कि एक गॉड है। अमादो ने शिबाई की बॉडी यूज करके एडा पर एक्सपेरिमेंट किए और उसको मिल गई पावर ओमनीपोटेंस की, और इसी की वजह से जो भी उसको देखता है उसको इससे प्यार हो जाता है। और ये पावर एडा कंट्रोल नहीं कर सकती। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि एडा की पावर है, जो भी उसको देखा वो उसके प्यार में गिर जाएगा, लेकिन बाद में जाकर हमें पता चलता है कि उसकी पावर कुछ और ही है। लेकिन आगे जाकर मोमोशिकी एक्सप्लेन करता है कि इस पावर का नाम है ओमनीपोटेंस और इसकी मदद से वो जो भी चाहे वो ये कर सकती है, लेकिन क्योंकि वो एक आम लड़की है इसलिए ये पावर कंट्रोल करना उसकी हद से बाहर है, और इसलिए सबकॉन्शियसली उसको कोई चाहिए जो कि उसको प्यार करे, और ओमनीपोटेंस उसकी ये विश पूरी कर देता है और जो भी उसको देखता है वो उसके प्यार में गिर जाता है, सिर्फ उनको छोड़कर जो कि होते हैं ओत्सुत्सुकी, मतलब कावाकी और बोरुटो। आगे जाकर कावाकी एडा की पावर यूज करके ही सबको यकीन में डाल देता है कि वही है नारुतो और हिनारा का सन, और बोरुटो एक खतरनाक बच्चा है जो कि बाहर से आया है और वो कावाकी को मारना चाहता है, जबकि वो कावाकी है जो कि बोरुटो को मारना चाहता था। और जो भी एडा को देखता है वो उसको अटैक भी नहीं कर सकता, लेकिन इस पावर को छोड़कर उसके पास कोई फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है और वो बहुत ही कमजोर है। लेकिन तभी कोड जैसा स्ट्रांग कैरेक्टर उसे अटैक नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके पैर में गिर चुका है पहले ही, इसलिए ये नंबर 9 पर है। नंबर 8 बक शिंजू। अब यह है टेंटेंस की एक फॉर्म। अब ये बक शिंजू क्या है? जब कोड उन दो साइबर्स को एक्टिवेट करने आया था तो वो मिलता है बक से, जो कि है ये बुढ़ा, और शुरुआत में तो वो कोड को मना करता है कि वो इन साइबर्स को एक्टिवेट ना करे, लेकिन आगे जाकर जब कोड उनको एक्टिवेट कर देता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन जब कोड के लिमिटर हट जाते हैं तो बक कोड को डायमंड की वीकनेस बताता है, लेकिन कोड तब भी हार जाता है और कोड बक को लेकर चला जाता है अपनी डायमेंशन के अंदर। लेकिन जब कोड टेंटेंस की मदद से अपने बनाता है क्लोग्रिम्स, तो उनमें से एक क्लोग्रिम बक को खा लेता है और वो बन जाता है एक डिवाइन ट्री वाला पर्सन, और वही है ये बक शिंजू। और अब देख के लगता है कि बक शिंजू का टारगेट है एडा, क्योंकि हमें पता चलता है कि बक पहले से एडा के प्यार में गिर चुका था, इसलिए अब जबकि वो एक ट्री बन चुका है अब उसका टारगेट है एडा। लेकिन वो सबसे वीकेस्ट टेंटेंस में से एक है क्योंकि वो कोई निंजा नहीं था और वो बिल्कुल एक आम इंसान था, और इसलिए वो सबसे कमजोर टेंटेंस है। नंबर 7 मार्सुरी। अब ये भी एक और कैरेक्टर है जो कि बना था टेंटेंस से। जब कोड अटैक कर देता है कोनोहा पर क्लोग्रिम्स की मदद से, तो उनमें से एक क्लोग्रिम खा लेता है मोइगी को, जो कि होती है कोनोहामारो की टीममेट, और मोइगी के चक्र से बनता है मार्सुरी,
जो कि बिल्कुल बग की तरह टेंटेड बन चुकी है। अब क्योंकि मोएगी एक निंजा थी और उसके पास पावर थी वुड को कंट्रोल करने की, अब मार्सोरी भी उतनी स्ट्रांग बन चुकी है और अब शायद उसके पास भी आ चुका है वुड कंट्रोल, और ये चीज इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देती है। टेंटेड का चक्र पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और वुड स्टाइल की मदद से वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है, और लगता है उसका टारगेट है कोनोहामारू क्योंकि मोएगी उसकी टीममेट थी। बोरुटो पहली बार मार्सोरी से पहली बार मिलता है जब वो होता है कोड की डायमेंशन के अंदर, तो अभी के लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इसलिए मैंने उसको रखा है नंबर 7 पर। नंबर 6 हिडारी। अब हिडारी भी है एक टेंटिस, लेकिन वो स्पेशल है क्योंकि वो बना है सास के उचिहा के चाक्रा से, जो कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे स्ट्रांगेस्ट शिनोबी में से एक था, और इसी की वजह से सास के जो भी टेक्निक इस्तेमाल कर सकता है वो हिडारी भी इस्तेमाल कर सकता है, और हिडारी का सिर्फ एक ही गोल है और वो है सारा द उचिहा को खाना। जब बोरुटो पहली बार देखता है हिडारी को तो वो समझ जाता है कि वो सास्के के चक्र से बना हुआ है, और तभी हिडारी उसको देखता है और उसको अपने चिदोरी से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बोरुटो वहां से भाग जाता है और वो वहां से बच जाता है। आगे जाकर जब हिडारी कोनोहा के अंदर रह जाता है तो वो सबसे पहले अटैक करता है सारदा को और उसको चिदोरी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं करता बल्कि सारदा उसको ही चिदोरी मार देती है और वो उससे बचता नहीं है। तो हिडारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि सास्के बहुत ज्यादा स्ट्रांग था और टेंटेड का चक्र बहुत ज्यादा स्पेशल होता है और सबसे स्ट्रांगेस्ट में से एक है, तो हिडारी इसलिए नंबर 6 पर है। नंबर 5 कावाकी। कावाकी पहले कारा से भाग चुका था क्योंकि वो उनका वेसल था और वो वेसल नहीं बनना चाहता था, और जब वो कारा के अंदर था तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते थे और जीगन उसको रोज मारता था, इसलिए वो बाहर से भागने की कोशिश करता है और उसके पास होता है कारमा, और उसके पास होता है कारमा जो कि उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। ये कारमा इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो इसकी मदद से किसी को भी मार सकता है और उसकी पावर पहले से बहुत बढ़ जाती है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है, लेकिन आगे जाकर जब इश्की मर जाता है तो कावाकी अपने कारमा को खो देता है, लेकिन अमादो उसको वापस ले आता है और कावाकी को जब ये मिलता है तो वो लड़ता है बोरुशिकी से, और वहां पर वो बोरुडो को मार देता है ताकि मोमोशिकी मर जाए और नारुतो के ऊपर कोई भी खतरा ना हो, लेकिन बोरुडो तब भी जिंदा बच जाता है, और तभी कावाकी एडा की पावर की मदद से सभी को यकीन में डाल देता है कि बोरुडो ही विलेन है, और अब 3 साल हो चुके हैं और कावाकी ने अब भी बोरुडो को नहीं मारा, बल्कि जब बोरुडो और कावाकी लड़ते हैं तो बोरुडो उसको एक ही सेकंड में हरा देता है और वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। कावाकी एक आम क्लॉग्रिम से लड़ने के लिए भी अपना कारमा इस्तेमाल करता है और अपनी बेस फॉर्म में कुछ भी नहीं कर पाता, और क्योंकि वो इश्की का वेसल है उसका कारमा बोरुडो के कारमा से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि इश्की मोमोशिकी के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसके पास पावर है उड़ने की और वो अपनी आंखों की मदद से किसी भी चीज को छोटा बना सकता है, लेकिन अब तक तो हम लोगों ने कावाकी को सिर्फ पिटते हुए देखा है और अब तक कुछ भी नहीं कर पाया, तो इतना ज्यादा स्ट्रांग होते हुए भी इतना ज्यादा यूजलेस है, लेकिन अभी फुल पावर के अंदर भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे स्ट्रांगेस्ट में से एक है। नंबर 4 नारुतो बैरियन मोड। जब नारुतो सास्के और बोरुडो लड़ रहे होते हैं इश्की से तो इश्की के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं, और सास्के और बोरुडो की हालत भी बहुत खराब हो चुकी होती है और नारुतो की हालत भी बहुत खराब हो चुकी होती है, लेकिन तभी कुरामा बताता है कि एक तरीका है इश्की को हराने का और वो होता है अपनी जान देना। नारुतो अपनी जान देने के लिए तैयार होता है इश्की को हराने के लिए, और तभी वो बन जाता है बैरियन मोड के अंदर, जहां पर वो सभी को सरपास कर लेता है और वो बन जाता है सबसे स्ट्रांगेस्ट। इस फॉर्म के अंदर वो इश्की को भी हरा देता है और इश्की भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इश्की को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि नारुतो कितना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है, जबकि वो कुछ ही सेकंड्स पहले कितना कमजोर था, लेकिन इतनी सारी पावर के बाद भी इस फॉर्म के अंदर एक वीकनेस है और वो है इसका टाइम लिमिट। ये फॉर्म बहुत ही कम टाइम के लिए एक्टिवेट होती है और ये लंबी फाइट के लिए बहुत ही बेकार है। लेकिन इश्की के पास सिर्फ 3 दिन ही रह गए थे और नारुतो के बैरियर मोड की मदद से वो 3 दिन सिर्फ 5 मिनट बन गए, और उन 5 मिनट के अंदर इश्की कावाकी के अंदर कारमा नहीं लगा पाया और वो वहीं पे मर गया। और नारुतो के बैरियर मोड की सिर्फ यही वीकनेस है क्योंकि ये है तो बहुत पावरफुल, लेकिन ये बहुत ही कम टाइम के लिए होती है और लंबी बैटल्स के अंदर ये किसी काम की नहीं है, और अब तक तो मैंने इसके सैक्रिफाइस के बारे में बात नहीं की। और वो था कुरामा। कुरामा ने अपनी जान दे दी थी नारुतो को बचाने के लिए, और इस बैटल के बाद नारुतो ने हमेशा के लिए कुरामा को खो दिया था और उसकी पावर पहले से बहुत कम हो चुकी थी, तो नारुतो का बैरियर मोड बहुत ही पावरफुल होता अगर उसके पास टाइम लिमिट ना होती, लेकिन अभी के लिए तो वो बंद हो चुका है और लगता नहीं है कि हमें बैरियर मोड फिर से कभी देखने को मिलेगा या नहीं, लेकिन वो तब भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था और इसलिए मैंने नारुतो को इस लिस्ट के अंदर डाला है। नंबर 4 बोरुटो टाइम स्किप। जब बोरुटो रसेंगन कर देता है मोमोशिकी को तो उसके अंदर आ जाता है कारमा जो कि होता है मोमोशिकी का,
और आगे जाकर बीच बीच में मोमोशिकी अवेकन हो जाता था और इसकी वजह से बोरुटो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता था। पहली बार बोरुटो की कार्मा को हमने एक्टिवेट होते हुए देखा था जब वो लोग लड़ रहे होते हैं बोरो से, और बोरोस बोरुटो को मारने वाला होता है और तभी आ जाता है मोमोशिकी और वो उसको एक बड़े से रसंगन से मार देता है। लेकिन उसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे उसने सास्के के रिनेगान को भी मार दिया था और कवाकी की मदद भी की बोरुटो को मारने के लिए। लेकिन जब पूरी दुनिया को लगने लगा कि बोरुटो ही विलेन है, तब सास्के ने बोरुटो को ट्रेनिंग दी और जो भी जुटसु सास्के को आते हैं वो सब उसको सिखा दिए। और बोरुटो एक जीनियस है क्योंकि लिटरली उसने एक साल के अंदर ही उसने सभी के सभी जुटसु सीख लिए जो कि सास्के को पता थे। और सास्के खुद ही बोलता है कि बोरुटो एक जीनियस है और वो पूरे 3 साल के लिए लगातार ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसकी मदद से वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जब बोरुटो और कोड लड़ते हैं तो बोरुटो एक ऐसा रसंगन यूज करता है जो कि हमने पहले कभी नहीं देखा था, और वो था रसंगन उजुहिको जो कि प्लांट की एनर्जी से बनता है। और जब वो ये कोड को मार देता है तो ये इतना खतरनाक होता है कि कोड इससे मरने भी वाला होता है। लेकिन जब कोड अपनी डायमेंशन के अंदर भाग जाता है तब बोरुटो इस्तेमाल करता है फ्लाइंग राइजिन जो कि होता है मिनाटो का जुट्सु, और तभी वो मिलता है सारे के सारे टेंटिल्स से। बोरुटो ये बोलता है कि वो कोड को आसानी से मार सकता है, और जब कवाकी और बोरुटो मिलते हैं और वो दोनों फाइट करते हैं तो बोरुटो उसको एक ही सेकंड के अंदर मार देता है और कवाकी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही कावाकी अपने कार्मा इस्तेमाल करता है तभी बोरुटो वहां से भाग जाता है, और अभी तो पता नहीं है कि क्यों, लेकिन बाद में जाकर हमें जरूर पता चलेगा। अभी सीरीज के अंदर बोरुटो बहुत ही स्ट्रांग है और बिना कार्मा के भी वो बहुत ही स्ट्रांग बन चुका है। पूरी दुनिया के अंदर उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, और सिर्फ कुछ ही गिने चुने कैरेक्टर्स जो कि उसका मुकाबला ही कर सकते हैं। नंबर 2 डायमोन। जब कोड ने 2 साइबॉर्ग्स को एक्टिवेट किया था तो उनमें से एक था डायमोन जो कि है एडा का छोटा भाई, और ये कैरेक्टर पूरे बोरुटो के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है क्योंकि इसकी पावर बहुत ही खतरनाक है। उसकी पावर है कि जो भी उसको मारने की कोशिश करेगा वो अटैक उसको खुद ही लग जाएगा, मतलब अगर तुम उसको मारने का सोचोगे भी तो उसको लगने के बजाय तुम ही लग जाएगी, तो चाहे कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक हो वो वापस लग जाएगा। जब कवाकी कोड को मारने वाला होता है तो कोड डायमोन को ले आता है और कवाकी को भी मार देता है, और जब कोड के लिमिटर हट जाते हैं तो डायमोन उसको तब भी हरा देता है और उसकी बैंड बजा देता है बिल्कुल। कोड उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, उसको भागने पड़ता है वहां से, और हमें पता नहीं है कि पूरी सीरीज के अंदर उसको कैसे हरा जा सकता है और उसकी पावर कैसे काम करती है। अब तक एक भी कैरेक्टर नहीं है जो कि डायमोन को हरा सका है, लेकिन आगे जाकर शायद हमें देखने को मिले जब डायमोन भी हार जाए। लेकिन अभी के लिए वो सबसे स्ट्रांगेस्ट है क्योंकि उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि जो भी सोचेगा वो अपने आप को ही मार देगा। नंबर 1 ज्यूरा। ज्यूरा भी एक टेंटल्स है और वह है सारे टेंटल्स का लीडर, और क्योंकि वो लीडर है वही है सबसे स्ट्रांगेस्ट। हमें पता नहीं कि ज्यूरा किसके चक्र से बना हुआ है, लेकिन दिखने में तो वो बिल्कुल जीकिन जैसा है और शायद इसलिए ही वो सबसे स्ट्रांगेस्ट है वहां पर। लेकिन जो भी हो उसका गोल है नारुतो उज़ुमाकी को ढूंढना, किसी वजह से उसको नारुतो में इंटरेस्ट है और वो उसको खाना चाहता है, इसलिए हिडारी और ज्यूरा दोनों आ जाते हैं कोनोहा के अंदर और वो ढूंढ रहे होते हैं नारुतो को। ज्यूरा बहुत इंटेलिजेंट है और वो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ता है, और जब वो किताबें पढ़ रहा होता है तो उसको समझ आ जाता है कि उसको कितना नहीं पता। वो कोनोहा के अंदर भी आता है तो वो वहां पर भी किताबें ढूंढ रहा होता है। लेकिन जो भी हो वो नारुतो को ढूंढ रहा होता है और उसके चक्रा को ढूंढते ढूंढते वो जाता है हिमावारी के पास, और हमें पता चलता है कि हिमावारी के अंदर कुरामा आ चुका है और वो भी बेबी कुरामा। और जब कुरामा हिमावारी को अपनी पावर देता है तो हिमावारी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है और वो ज्यूरा को टक्कर दे पा रही होती है, और वो ज्यूरा के सामने भी अच्छे से लड़ पा रही होती है। जब ज्यूरा अपना बिजू बॉम्ब इस्तेमाल करता है तब हिमावारी भी अपना बिजू बॉम्ब इस्तेमाल करती है और उसको रोक देती है। लेकिन अभी के लिए बोरुटो के अंदर सबसे स्ट्रांगेस्ट है ज्यूरा, और अभी मैंने नए चैप्टर के स्पॉयलर्स पढ़े हैं और लगता है बोरुटो ने ज्यूरा को गुस्सा दिला दिया है और अब वो बोरुटो को मारना चाहता है, तो पता नहीं बोरुटो उसके सामने कुछ कर पाएगा या नहीं। नंबर 0 शिबा ओत्सुत्सुकी। अब ये एक ओत्सुत्सुकी था जो कि इतने सारे डिवाइन ट्री खा चुका था कि उसने अपनी बॉडी को छोड़ दिया और वो बिल्कुल एक गॉड बन गया। तो ज्यूरा को छोड़कर शिबा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन हमने अब तक कभी भी शिबा को देखा नहीं है। तो नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है, बोरुटो या कवाकी, तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? मेरा तो कवाकी है। नीचे कमेंट करके बताना, इसको लाइक कर देना, मैं इसे सब्सक्राइब कर देना, और मैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर।